नमस्कार सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के सेकेंड चैप्टर टर्म टू लास्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमने तीन पार्ट्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी और ऑलमोस्ट चैप्टर उसमें कवर्ड है, बट क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम पार्टी डोमिनेंस है, इस वजह से कुछ पार्टी हैं जिनके फॉर्मेशन और मशहूर नाम शख्सियत जो होंगी और क्यों फॉर्म किया, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट आइडियोलॉजी, वो देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी, सबसे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फुल फॉर्म हो गया, फॉर्मड विद इन द कांग्रेस इन 1934। जिन लोगों ने पार्ट नहीं देखा पुराना वाला, वो पहले देख लो। कांग्रेस के ही अंदर ये लोग हैं, बट आइडियोलॉजी अलग है, इसे कहते हैं फैक्शन। पहले पार्ट थ्री देख लेना। इन 1934 बना लिया, बट थे कांग्रेस में, विद इन द कांग्रेस, क्योंकि असम्पशन रीजन में जरूर पूछा जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। By young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress, almost equality का मतलब ये, ठीक है, equality, radical, बहुत ही एक तरीके से एक चीज सोच ली है, ठान ली है, तो उस चीज पे रहना है। ऑर्थोडॉक्सी कह सकते हैं कि हम मानते हैं तो मानते हैं कि भगवान है तो है, अच्छी बात है, बट रेडिकल तरीके से काम कराना कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, कोई बहस नहीं, कोई उसका सोल्यूशन नहीं। ये एक इन 1948 कांग्रेस ने अमेंड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं किया है। और ये नॉर्मल सी बात है, 48 है अभी, कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी नहीं हुआ हमारा बन के, ठीक है। तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते थे पार्टीज के, उसमें उन्होंने अमेंड किया कि किस वजह से, टू प्रिवेंट, रोकना है इट्स मेंबर्स फ्रॉम हैविंग अ ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप, कि तुम इधर के भी रहो उधर के भी रहो ये अच्छा नहीं है। या फिर अपने बहुत ही जेम्स टू डायमंड्स टाइप के लोग होंगे, स्टॉलवर्ट लीडर्स जो होंगे, उनको बचाए रखने के लिए ऐसा स्टेप कांग्रेस ने लिया था। तो 1948 में जैसे स्टेप लिया, उसके रिपरकशन आ गए। दिस फोर्स द सोशलिस्ट टू फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948, सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बना ली। सोशलिस्ट का बिलीव क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, जो कि अलग है, डिस्टिंग्विश अलग है किससे, कांग्रेस से और कम्युनिस्ट लोगों से, इस बात पे ये डिफर करते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्रिटिसाइज्ड कांग्रेस फॉर सपोर्टिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स। ये ध्यान रखना लाइन, अभी मैं जो स्वतंत्र पार्टी में आऊंगा तब देखना एक आदमी कितने लगे पड़े हैं। ये कह रहे हैं कैपिटलिस्ट का सपोर्ट करते हैं, स्वतंत्र पार्टी वाले इनको छोड़ देंगे क्योंकि ये कैपिटलिस्ट का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक, अभी देखते होंगे। तो ये है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो ये चीजें बैठती हैं। लास्ट टाइम पढ़ा होगा बट अगर याद नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, सोशलिज्म या सोशलिस्ट बहुत ही छोटे पैमाने में देखा जाए स्टेट कंट्रोल कर रहे थे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लैंड इशू हो, कुछ भी हो, स्टेट कंट्रोल में कर रही थी, यूएसएसआर में हमने पढ़ा था। बट इन 1955 क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा दौर रख दिया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस डिक्लेयर्ड मेनी प्रो सोशलिस्ट स्टेप्स, लैंड सेलिंग्स भी थी उसमें जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये इनको भारी पड़ गया, क्योंकि ये वही बात है कि ब्राह्मणिज्म जो था एंशियंट में, जब वो उसका डाउनफॉल चल रहा था क्योंकि बुद्धिज्म वाज राइजिंग, तो जितने भी बुद्धिज्म टीचिंग है उनमें से ऑलमोस्ट जो ब्राह्मणिज्म है उन्होंने अडॉप्ट करनी शुरुआत कर दी। इसीलिए ब्राह्मणिज्म था, है और रहेगा, क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सीबल है, कुछ भी अगर उसको लगता है कि अगेंस्ट जा रहा है या फिर उसको वो नीचा कर सकता है, उसका डाउनफॉल आ सकता है, वो उस चीज को अपने जो डोमेन है उसमें ले लेता है। ये ब्राह्मणिज्म की खास बात है, इसलिए ब्राह्मणिज्म था, है और रहेगा। प्रो सोशलिस्ट स्टेप्स थे, ठीक, लैंड सेलिंग वाला मैंने बता दिया। लीडर्स फेमस हैं इनके, रामानंद रॉय, अशोक मेहता, लास्ट तक कांग्रेस से जुड़े भी रहे, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली, बट रामानंद रॉय वॉज अगेंस्ट दिस कांग्रेस सिस्टम। बहुत बड़े लीडर हैं, वक्त मिले तो उनको पढ़ना, क्योंकि शायद ही इनसे बड़ा सोशलिस्ट कोई होगा। पार्टी का नाम रख लेना, उस पर चल लेना बहुत आसान होता है, बट किसी को पढ़ना, उसको समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बाकी और भी लीडर्स के नाम हैं जिसको मैचिंग के फॉर्म में आ सकता है, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, कैमरामैन साहब को दिखा देंगे। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, ठीक है। इंस्पायर्ड किससे हैं? बोल्शेविक रेवोल्यूशन से। एक और चीज बता दो, जितनी पार्टी में बताऊंगा और जो बता चुका हूं
वो डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है, यही लिख के आना है, डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का है, बट होता 4 मार्क्स का तो ही है। अगर 2 मार्क्स का भी होता है मान लेते हैं, तो पार्टी फॉर्म कब हुई है और उसकी आइडियोलॉजी क्या है या इंस्पायर किससे है, ये 2 पॉइंट लिखने होते हैं। दैट्स इट, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड बाय बोल्शेविक रेवोल्यूशन, क्लास 9th रशिया में 1917 का रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तुम्हें, याद नहीं कोई बात नहीं है, क्या बता सकते हैं। बोल्शेविक का मीनिंग वन ऑफ द मेजोरिटी, हु वर इन द मेजोरिटी, वर्कर्स, तो वर्कर्स की पार्टी थी, वर्कर्स की पार्टी थी इसके हेड थे, और लेनिन का काफी बड़ा रोल है इसमें, बट वहां नहीं जाते हैं, वापस आ जाओ। इससे इंस्पायर्ड थे लोग, रशिया में हुआ था अर्ली 1920s में, मतलब 1917 में। फाउंड सोशलिज्म एज सॉल्यूशंस, तो सीपीआई जिन लोगों ने एक तरीके से इंस्पायर्ड हुए थे, उनको लगा कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, पेजेंट्स थे वो लोग, वर्कर थे या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको लगा कि यार ये सोल्यूशन जो है ना, जो रशिया में हुआ है रेवोल्यूशन, वैसे ही हमें मिल सकता है, ऐसे पॉसिबल नहीं है, जो उनके ऊपर जुल्म जो है वो ढाए जा रहे थे। हम केरला वाला भी मोपला जो हमने पढ़ा था, उसका भी यही पार्ट है। टिल दिसंबर 1941 इट वॉज विद इन द कांग्रेस एक्शन द बट, और कब से 35 तक, तो 41 के बाद ये टूट गया होगा और अपोजिशन पार्टी बना गई होगी। सपोर्टेड ब्रिटिश अगेंस्ट नाजी जर्मनी, कांग्रेस ने सपोर्ट क्यों नहीं किया इनको, इस वजह से क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था नाजी अटैक की वजह जो हुआ था वहां पे जर्मनी, ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे और हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे, तो हम कैसे इनको सपोर्ट कर देते, ठीक। अनलाइक अदर पार्टीज, बाकी पार्टीज की तरह ये नहीं थे, इनमें थोड़ा सा अलग चीज है, क्यों हम इन्हें दबा नहीं पाए इनके अगेंस्ट आने के बावजूद इधर, क्योंकि सीपीआई हैड वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी एंड कैडर सिस्टम, कैडर सिस्टम, इनके छोटे छोटे कैडेट जो है मतलब इनके वॉलंटियर्स वो लोकल लेवल पे काम कर रहे थे, और जब आदमी ग्रास रूट लेवल पे काम करना शुरू करता है, उसको पकड़ के रखता है, तो उसे हटाने में थोड़ी मुश्किल आती है, तो उस मुश्किल से बचना रहकर हमें रहना था, क्योंकि हमें बड़ा फिगर देखना था ब्रिटिशर्स, ठीक। वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी एंड कैडर, बढ़िया लीडर्स थे इनके पास, अभी हम आगे देखेंगे, और कैडेट सिस्टम था जो आज भी एग्जिस्ट करता है बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। आफ्टर 1947 दे डिफर विद द ट्रांसफर ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन को अच्छा ही लगा, एनकरेज वायलेंट अपराइजिंग्स, बवाल मचाना, गदर काटना चालू किया तेलंगाना के रीजन के साथ जो आज का तेलंगाना, बट 1951 में क्योंकि ये तोड़े गए थे, पीटे गए थे और बढ़िया सजाए गए थे, इस वजह से 1951 इनको लगा कि कुछ चीजें चेंज करनी चाहिए। सिर्फ तोड़े गए थे इसलिए नहीं, इनको लोकल सपोर्ट भी इतना कुछ खास नहीं मिलने लगा, क्योंकि यार लाठी चार्ज के बाद शायद ही कोई हो जो तुम्हारा हाथ पकड़ के और अपनी हड्डी तोड़वा ले, ठीक। तो 1951 में दे डिसाइडेड टू चेंज देयर अप्रोच, अच्छी बात है, और ये अप्रोच काम आ गई, पार्टिसिपेट करने लगे इलेक्शन में, जो हमने पढ़ा सबसे पहला टॉपिक सीपीआई वन 16 सीट्स, सेकेंड ये लोग हैं जो कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट लेके आए थे इंडिया में पहले इलेक्शन में, जो मैंने मैप दिखाया था केरला वाला रेड पोर्शन, और सपोर्ट भी मिलना स्टार्ट हुआ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला, ये हमने पढ़ा था मलाबार कोचिन के जो इलाके हैं और त्रावणकोर, इसको केरला बोलते हैं आजकल, और सबसे पहला चैप्टर अगर टर्मिनल का याद हो, करेक्ट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा, रटने से कोई फायदा नहीं है, अच्छा भी लगता है। पहले चैप्टर मैंने पढ़ा था कि कौन सा रूलर है, और इस बार बोर्ड में भी आया था जिसने मना किया लास्ट तक कि नहीं मैं जुड़ूंगा, या इनिशियली स्टार्ट किया उसने, रूलर ऑफ त्रावणकोर, वो केरला का इलाका था, और क्यों मना किया था, क्योंकि कांग्रेस अपने टाइम पे 1920s और 30s में सपोर्ट नहीं करती थी, इस वजह से नहीं करती थी, तो जख्म दोनों के बराबर है। कौन फेमस लीडर हैं या मेंबर्स भी हो सकते हैं, एके गोपालन, एएमएस नामरबड़, ये हमने पढ़ा था, केरला के सीएम बने थे, ऐसे डांगे, अजय घोष एटसेट्रा, ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आते हैं, तो पता होना चाहिए कि सीबीआई पे क्लिक करना है। फिर स्प्लिशन हो गया, मतलब स्प्लिट हो गया, सॉरी 1964 में सोवियत और चाइना, मतलब यूएसएसआर और चाइना के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गए और टेरिटोरियल डिस्प्यूट चालू हो गए लैंड को लेकर, तो ये लोग अपने ही आइडियोलॉजी से दो पार्ट में फैक्शन स्प्लिट हो गए, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, सीपीआई मार्क्सिस्ट, ये चाइना, ये सोवियत, ये आज तक एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पार्टी जो लेटेस्ट चल रही है आज, वो देखते हैं कहां से इसका फॉर्मेशन हुआ है,
जन संघ, बीजेपी का पुराना नाम, ठीक पहला क्वेश्चन। और स्क्रीन पे आ जाएगा आपके बीजे, इसका जो है पार्टी सिंबल पहले दिया था एक, ठीक है, बाद में बीजेपी का सिंबल लोटस हुआ। सेम केस कांग्रेस का पहले सिंबल पेयर ऑफ बुलक था, बाद में उसका सिंबल हाथ का पंजा हुआ, वो तो हम देख लेंगे नेक्स्ट में, बट ये इंपॉर्टेंट था। फॉर्म्ड इन 1951, ठीक है, एक मार्क्स में अगर पूछता है, फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ट्रेस इट्स रूट्स, कहां से अपने आप को कनेक्ट करता है वो? आरएसएस से और हिंदू महासभा से। फुल फॉर्म पूछ सकता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। जहां पे भी मैं प्लस बनाता हूं एंड मान लेना उसको ज्यादातर, ठीक है। आइडियोलॉजी, अगर वही सवाल मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि पार्टी सिस्टम 4 मार्क्स का आता है, अगर 2 मार्क्स में सिर्फ आइडियोलॉजी पूछता है या मैथ्स अकॉर्डिंग पूछता है बीजेएस की, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी में क्या लिखना है? कि वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में क्या लिखना है? बोल्शेविक रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है वो लोग, और जो फैक्शन होने के पहले सोशलिस्ट भी थे और कम्युनिस्ट बेसिकली सपोर्ट है। आइडियोलॉजी इनका वन पार्टी, सॉरी वन कंट्री वन कल्चर और वन नेशन में बिलीव, मैनिफेस्टो भी इनका यही था, एक राष्ट्र एक देश। इसलिए जो अभी हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, एक राशन कार्ड एक आधार कार्ड, वो नेशन को जोड़ने की जो सिलसिला चल रहा है वो आज से नहीं, बहुत पहले से उनके मैनिफेस्टो में यही चीज है। बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, भी बन सकती है, कैसे? प्रोग्रेसिव भी बन सकती है ऑन बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर ट्रेडिशन। हमारे पूर्वज इतना कुछ करके जा चुके हैं कि उनसे ही इंस्पायर्ड होके मॉडर्न हो सकते हैं, हमें नहीं ब्रिटिशर्स की जरूरत है, ऐसा मानना है। ये बेसिकली यूरोपियन सपोर्ट की इतनी जरूरत नहीं है हमको मॉडर्न होने के लिए, हम मॉडर्न पहले से हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते भी हैं कि जो हमारे रामन साहब हैं वो इंडिया के वो थे साइंटिस्ट, क्योंकि वो पुष्पक लेके आए थे उड़ा के ले जाने के लिए। कॉल्ड फॉर अखंड भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है कि किस पार्टी ने बोला है या किस पार्टी की आइडियोलॉजी है। भारतीय जनसंघ बीजेपी नहीं, बीजेपी बने की बात में। कॉल्ड फॉर अखंड भारत मतलब रीयूनियन ऑफ इंडियन पाकिस्तान, इस पे तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, अफगानिस्तान से लेकर और जितना भी अशोक के टाइम से अकबर के टाइम से जितना राज्य था वो हमारी है, या फिर भारत के टाइम से रीयूनियन अखंड भारत, और एक दिन होगा भी। एजिटेटेड, ठीक है, प्रॉब्लम किस चीज में इन्होंने प्रोटेस्ट किया है? टू रिप्लेस इंग्लिश विद हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब तुम सोचो कि क्यों मैं वापस से वही चीज दोहराऊंगा तुमको, लगेगा मैं नेहरू फैन हूँ, फैन नहीं हूँ, बस तुम ये देखो कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं एक जो एक बेल्ट में बोली जाती है, व्हाट अबाउट साउथ इंडियंस? बट नहीं बनने दिया, और रीजन भी अच्छा है क्योंकि हम डाइवर्सिटी को फॉलो करते हैं, अलग अलग प्रांत में अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो हम नहीं किसी को एक को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। और क्या, कंसेशन टू रिलीजियस प्लस कल्चरल माइनॉरिटीज, ये भी मत दीजिए, कंसेशन मत दीजिए रिलीजन में और माइनॉरिटीज में। माइनॉरिटीज को बेसिकली कल्चरल और रिलीजियस आजादी ना दी जाए। क्यों ना दी जाए भाई, जितना अधिकार आपका है उतना किसी और का भी हो सकता है, बट इनकी सोच है ये, कॉन्स्टिट्यूशन इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स स्पेशली आफ्टर चाइना कैरीड इट्स अटोमिक टेस्ट इन 1964। जैसे ही 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, ये जो फॉलोअर्स हैं इनको लगा कि नहीं, हमें भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, हमें भी अपने आप को एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो ये एक अच्छी चीज थी और उसका सपोर्ट भी किया गया। इसी वजह से जो परमाणु मूवी में ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, इन्होंने ही परमिशन दिया कलाम साहब के उसमें अंडर सुपरविजन में, कि कोई बात नहीं नीचे हो सकता है, पॉसिबल है सब कुछ, ठीक। इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी है, तो कहीं मैंने पढ़ा है कि कलाम साहब जो है बहुत इंस्पायर्ड थे अपने ही रिलीजन को लेके, तो महाभारत गीता कुरान ये सब वो पढ़ा करते थे, तो जब उन्होंने वो चीजें पढ़ी तो वहां से इंस्पायर्ड होकर जो मिसाइल अग्नि है हमारी वो उन्होंने तरीके से डेवलप करने की कोशिश की है। और जब हमें एक अल्टीमेटम मिला यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि आप ना हवा में टेस्ट कर सकते हैं, ना पानी में, ना जमीन पे, तो इन्होंने हिरण्यकश्यप वाली कहानी सुनी थी शायद, जो क्या कहते हैं विष्णु ने अवतार लिया था उनको,
चौखट पे बैठ के भाड़ दिया था, नरसंहार तरीके से किया उनका। तो इन्होंने क्या किया कि जमीन के अंदर परमाणु टेस्ट किया था, और हाफ डर तो थे हम फर्स्ट जाते, बट क्योंकि उसी के बाद हमारा भाई जो है एक्साइटेड होके उसने भी टेस्ट कर लिया पाकिस्तान में, तो इस वजह से हम बच गए और नलीफाई हो जाए जो हमें पे एलिगेशन लगने वाले थे, और वार्निंग मिल के हमें छोड़ दिया गया। नहीं तो दिमाग देखने वाली बात है कि ना हमने जमीन पे किया, ना आसमान पे, ना पानी में, जमीन के अंदर किया है। परमाणु मूवी में ये चीज आप देख सकते हैं, उसमें मेंशन है। मूवी भी और वेब सीरीज भी, ओटीटी प्लेटफॉर्म तो है, उससे भी सीखा जा सकता है। तो ये है भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट स्वतंत्रता पार्टी। ठीक, अब जो मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था कि कांग्रेस फेवर कर रही थी कैपिटलिस्ट के, जमींदार के, और इसके कभी को सुनना। फॉर्म्ड इन अगस्त 1959, क्यों? आफ्टर नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस विच कॉल्ड फॉर लैंड सेलिंग, टेक ओवर फूड ग्रेन ट्रेड बाय द स्टेट, इंक्लूडिंग एडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक, एक एक करके समझ लेते हैं। लैंड सेलिंग, आपके पास बहुत लैंड था, गांव वालों में थोड़ा थोड़ा बटिया, ठीक है, तो आप कोई पुरानी और पुरखों की जमीन कैसे बट सकता है, तकलीफ तो होगी। तो ये वो लोग हैं जिनको तकलीफ होना स्टार्ट हो गई थी। फूड ग्रेन का ट्रेड बाय द स्टेट, जो भी आप उगाओगे वो स्टेट खरीदेगा आपसे डिसाइडेड अमाउंट में, और वो फिर पीडीएस सिस्टम हो या किसी भी सिस्टम में वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑल ओवर इंडिया। यही वाला प्रॉब्लम जो हमने लास्ट टर्म वन में, अगर तुम लोग को याद हो तो, किया है, मतलब एज नॉट इन द वीडियो, कि गांव का मेंशन किया गया था जिसमें किसानों ने अनाज देने से मना कर दिया था। ये वही लोग थे जिनकी वजह से किसानों ने अनाज देना बंद कर दिया था, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि तुम गांव में रह रहे हो, ठीक है, अब होली में तुमको पैसे चाहिए, सरकार फंड देगी, कौन देगा? माइलेंट, जमींदार जो तुमसे अटैच हो, तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। सरकार वरकार तो ऐसे ही आने जानी है, ऐसा बोलते हैं वो, ठीक। तो इस वजह से उन लोगों ने सपोर्ट किया और स्टेट को राशन देने से मना कर दिया था, और उसी वक्त जोनिंग चालू हो गई थी वहां पे बिहार में, ठीक है। तो ये वो कनेक्शन है, और लैंड सेलिंग टेक ओवर, और फिर हमने भी देखा कि लैंड सेलिंग होने के बावजूद भी केस चलने लगते थे, बट अपने ही लोग हैं ये लोग, तो किस खुशी में किसी इलीगल फॉर्म में लैंड को लोग वापस कर लेते थे। आपने गांव वालों को दे दिया, गांव वालों से उन्होंने अंगूठे लगवा लिए, ठीक है। ये मीम भी बन रहा है आजकल, बहुत लेटेस्ट है, एक और लोग खाना खा रहे हैं, मूवी से लिया गया, अमरीश पुरी का है डायलॉग, वो ठाकुर इनके जमीन के कागजों का दस्तखत ले रहे हैं या नहीं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, इनको तब तक खिलाओ जब तक ये बेशरम ना हो जाए, और फिर अपने ही तरफ से हमको दे देंगे। इसे 1960s और 70s में जितनी मोस्ट ऑफ द पिक्चर बनी, इसमें लाला हो गए, जमींदार हो गए, इनके ऊपर ज्यादा पिक्चर बनती, करण अर्जुन मोस्ट वन ऑफ द, मेरे करण अर्जुन आएंगे, लैंड चीज लेते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग, क्योंकि पैसा है नहीं है तो अमीर आदमी के साथ ही तो कोलैबोरेशन करेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट, वांटेड गवर्नमेंट टू बी लेस इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग इकोनॉमी। हम जो चाहे वो करें, हमें कोई ना बताए कि क्या करना है, इंटरवेंशन नहीं पसंद है गवर्नमेंट का, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर तबके को खुश रखना है। क्रिटिकल है और फेवर है, क्रिटिकल देख लेते हैं, मतलब किस चीज के खिलाफ थे ये लोग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के खिलाफ थे, कि सबको सेंटर ही क्यों डिसाइड कर रहा है, स्टेट क्यों डिसाइड कर सकता है, नेशनलाइजेशन के खिलाफ थे, हर चीज को आप नेशनलाइजेशन कर दे रहे हैं, कलिंगा हम पढ़ते हैं, अगर एयरलाइंस वो नेशनलाइज हो गई, टाटा वाली नेशनलाइज हो गई जो इतने साल बाद, इसलिए टाटा ने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि आफ्टर मेनी इयर्स वी आर गेटिंग बैक आवर एयरलाइंस, एयर एशिया तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा था, क्योंकि हम ये देखते हैं कि 1990s तक दूरदर्शन आ रहा हमारे शहर पे, मतलब टीवी पे, बाद में चीजें डेवलप होने स्टार्ट हुई, बाद में प्राइवेट प्लेयर्स ने भी अपना कब्जा स्टार्ट किया। लाइसेंसिंग रजीम, एक लाइसेंस किसको देना है किसको नहीं देना है, इसका एक पूरा काल चला, इसको लाइसेंसिंग राज भी बोलते थे, क्योंकि ये लोग डिसाइड कर रहे हैं किसको देना है किसको नहीं, ऐसे एलिगेशन लगते थे। मैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के खिलाफ थे कि क्यों नेता बन रहे हो, यूएस के साथ दोस्ती करो ना, काहे के लिए नेता बन रहे हो, कि हम इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, हम अपना आशियाना बनाएंगे। तो ये वैसे ही प्रॉब्लम है जैसे कि कंजर्वेटिव फैमिली में माँ बाप रहे हो, तो एक तरीके से पेरेंट्स हैं और बच्चे कुछ अलग करना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्यों चल रहे हो, नौकरी तो है अच्छी खासी, काहे को छोड़ रहे हो, करते रहो, तो वैसा भला थोड़ा सा हाल है।
और क्लोजनेस विद यूएसएसआर। क्यों यूएसएसआर के साथ जा रहे हो, ये क्यों अच्छा है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, नहीं लगाओगे कोई बात नहीं, बोर्ड से मतलब नहीं है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, या तो पेनिकल पे जियो, हाईएस्ट फॉर्म पे, जो करना है समझदारी के साथ ऊंचाई पे करना है। रट के एग्जाम में टॉप मारना, 100 में से 150 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल नहीं करा देंगे। क्यों ये वैसे सारे दुश्मनी है, उसका रीजन है सोशलिज्म। क्या मतलब? वहां पे स्टेट कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि हमने मिक्स इकोनॉमी ली है ना, और मिक्स में सोशलिज्म भी तो आ रहा है कैपिटलिज्म के साथ। सोशलिज्म में क्या होगा, स्टेट कंट्रोल करके रखेगा तुम्हारी प्रॉपर्टी में, राइट खत्म कर देगा, प्रॉपर्टी लेके वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस वजह से इस आइडियोलॉजी के खिलाफ है, यूएसएसआर के खिलाफ नहीं है लोग। चल खैर छोड़ो, फेवर किसका किया? प्री प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर होगा, जिनके साथ लैंडलॉर्ड जुड़ गए, कैपिटलिस्ट जुड़ गए, इंडस्ट्रियल जुड़ गए, ये अपनी पार्टी तो है ये। और क्लोजनेस विद यूएसए, क्योंकि यूएसए में फ्रीडम है, लिबरेशन है, और इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे चीजों को रन कर रहे हैं, और स्टेट का इंटरवेंशन कम से कम रहता है। एक फेमस पर्सनैलिटी सी राजा गोपालाचारी, राजा जी भी कहते हैं इनको, हम अभी फेमस पर्सनैलिटीज में इनको थोड़ा सा और समझेंगे, के मुंशी साहब हैं, एन जी रंगे हैं रंगा, और मीनू मसानी जी हैं। नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैच द फॉलोइंग में आता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो स्वतंत्र पार्टी पे लाइन अप कर देना, ये इनकी एनर्जी है। ठीक, पर्सनैलिटीज और फ्रीडम फाइटर टू बी नो, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक, बट इनका ओरिजिनल नेम क्या है, अब्दुल कलाम मोहिद्दीन अहमद। ये वही हो सकता है कि घर का नाम राजू और बाहर का नाम राजीव कुमार। ठीक, प्रपोनेंट हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या नहीं चाहते होंगे, पार्टीशन। ठीक है, अपोज टू पार्टीशन। और एजुकेशन मिनिस्टर थे पहली कैबिनेट ऑफ इंडिया के, तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अब्दुल कलाम मोहिद्दीन अहमद साहब। ठीक, नेक्स्ट, राजकुमारी अमृत कौर, बिलोंग टू रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला, इनहेरिटेड क्रिश्चियन रिलीजन फ्रॉम हर मदर, मतलब कि राजा की फैमिली से हुआ करती थी, और राजा ने किसी क्रिश्चियन से शादी की होगी, उनकी क्रिश्चियन माँ है, और राजकुमारी अमृत कौर वॉज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, और इंडिया फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। तो आप एक तरीके से जेंडर को भी देख सकते हैं कि सबको मौका तब से दिया जा रहा है, आज तो बढ़ गए हैं मौके। फिर नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव साहब, जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे सीएसपी के। व्हाट इज सीएसपी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म पढ़ते थे और एक्टिव पॉलिटिशियंस थे, या फिर एक्टिविस्ट थे पेजेंट मूवमेंट्स में, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। लेटर लेड एक और पार्टी को इन्होंने लीड किया, जिसका नाम है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, थ्योरेटिकल है ये, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपको नाम पता होने चाहिए। पर्सनैलिटी बाबा साहेब भीमराव, रामजी अम्बेडकर, फुल फॉर्म पूछ सकता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी है इनके बारे में। लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट पूछेगा तो भाई साहब यही है। स्ट्रगल फॉर जस्टिस टू दलित पूछेगा तो यही है। फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एससी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये प्लान फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये मेंबर ऑफ वॉइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। क्या बात है, मतलब जो अंग्रेज, जो ठाट वाले लोग लोगों को मुंह लगाते थे, उनके ये ड्राफ्टिंग सॉरी वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। ठीक, ये होती है पढ़ाई की ताकत। चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये तो हम सब जानते हैं, बहुत बार सुना होगा, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें। संविधान को ड्राफ्ट किया है, ठीक, एक टर्मोलॉजी अलग है, लिखने में बहुत सारे नंबर्स इन्वॉल्व है। रिजाइन कर दिया था, मेंबर थे नेहरू कैबिनेट में 1951 में, क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस हो गए थे हिंदू कोड बिल को लेके। हिंदू कोड बिल आया था कि मतलब थोड़ा लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से आया था कि बहुत लोगों को आजादी मिलनी चाहिए, लोग जा सकते हैं, मतलब महिलाओं का राइट्स होना चाहिए, उनका प्रॉपर्टी राइट्स मिलने लगा, और बट बहुत लोगों ने अगेंस्ट इसको वो किया अपोज, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। लास्टली ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, 56 के अराउंड उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक था शायद ऐसे। ये है इनके बारे में, जो भी चीज ये कोई भी स्टेटमेंट आता है बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर। नेक्स्ट है रफी अहमद किदवई साहब, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे ये,
इंडिया के, और फूड मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे 52 से 54 तक। दीनदयाल उपाध्याय फाउंडिंग मेंबर बीजेएस भारतीय जनसंघ, इनिशिएटेड कॉन्सेप्ट इनिशिएट किया, मतलब तरीके से कोशिश करी कि लागू हो पाए, ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये किसने दिया है तरीके से इनिशिएट करने को, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, सब एक ही है, ह्यूमन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में ये आएगा। दो और बचेंगे, देख लेते हैं। दो पर्सनैलिटीज, सी राजा गोपालाचारी, इनको राजा जी भी बोलते थे, एक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, सीएम मद्रास के थे, रेसिपिएंट है पहला भारत रत्न इन्हीं भाई साहब को मिला है, सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडर हैं सोशलिस्ट पार्टी के, ध्यान रखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट पर्सनैलिटी, लीडर ऑफ हिंदू महासभा, फाउंडर ऑफ बीजेएस भारतीय जनसंघ, अपोज किए इन्होंने इंडिया की पॉलिसी को, जो कि जे एंड कश्मीर को ऑटोनॉमी दी थी थ्रू, मतलब तरीके से फुल पावर, गॉट अरेस्टेड इसी वजह से, और डाई ड्यूरिंग डिटेंशन, पूछताछ में ही इनकी मौत हो गई। ठीक, ये वो पर्सनालिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये वो पार्टीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। लास्ट टॉपिक जो बचा था मैंने बोला था, याद आ गया मुझे, वो देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, अकबर और जवाहरलाल, दोनों ही जब आए हैं डाइवर्सिटी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, बट सोल्यूशन समझदारी से निकाला है, कॉमन पॉइंट है समझदारी। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम थी राजपूत, सेटल कर लिया राजपूत पॉलिसीज के साथ, क्यों, क्योंकि उनको दो चीजें चाहिए थी, लड़ाई तो काबुल भेज दिया, और दूसरा इज्जत बहुत हार भर के दी। तो जिसको जो चीज चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, ये आपकी समझदारी को दिखाता है। अकबर को डिसलेक्सिया था, ये पढ़े लिखे नहीं थे, तारे जमीन पर वाला दर्शी टाइप के बच्चे थे। ठीक, फिर भी समझदारी थी, मेन समझदारी होती है, बाकी चीजें काम नहीं आती है। जवाहरलाल नेहरू समझदारी, सबसे कम ही पढ़े लिखे है मान लेते हैं, बट पहले प्रधानमंत्री है। वो कहानियां आनी है जो है वो चलती रहती हैं, पहले पढ़ो, क्योंकि पढ़ने में क्या है तकलीफ होती है, जब भी आपसे कोई ऊपर होगा या तो आप उसको नीचे गिराओगे या उसको पढ़ोगे या अपने आप को सुधारोगे। ये जो लास्ट के दो है ना उसमें को करने में थोड़ा कष्ट होता है, इसलिए लोग बहुत आसानी से गुटखा रखते हैं मुंह में और बस रायता फैलाना चालू कर देते हैं, या ये कह दो कि गंध थूकना चालू कर देते हैं, वो गलत है। पहले पढ़ो, किसी को जानो, उसमें लगती है मेहनत तो करो। ठीक, तो ये है जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में बहुत चीजें अभी चल रही है लेटेस्ट में कि कुछ नहीं किया है, और जिन लोगों ने हम पे राज किया है उसकी वाइफ को पटा दिया था एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब मोहब्बत करो, ये हमारी सभ्यता नहीं है। और इसी बात पर कुछ लोग बहुत प्राउड फील भी करते हैं कि जो हम पे राज कर गए उन्हीं की बिटिया भी हाल आई है, कोई मतलब नहीं। इनको पढ़ो, पॉलिसीज पढ़ो, नाम की फॉर्मेशन पढ़ो, कि मतलब तब वो स्टेप ले रहा है जब कभी भी कोई अटैक कर सकता है, जेब में पैसे नहीं है बट करेज है, नाम बना दिया कि हम लोग तुमसे पैसे लेंगे, तुमसे लेंगे हम कुछ काम करेंगे, उधार देना है दे लो, प्रॉब्लम आएगी, ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम आएगी यार, यहाँ लड़के लड़का घर से भाग जाते हैं तो फाइनेंस जुटाने में प्रॉब्लम आ जाती है, ये तो देश चलाते हैं। ठीक, यह समझदारी के बीच में डिफरेंस, राजपूत पॉलिसी, और इनको क्या है कि अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोगों को लेके चलना है साथ में, जो बहुत प्रॉब्लम है। 1944 में बॉम्बे प्लान आया, ठीक, क्योंकि इंडस्ट्रीज को पता था कि ये आदमी जो है थोड़ा सोशलिस्ट भी है तो दिक्कत में कर दे, तो ठीक है बिग इकोनॉमी हमने अपना ली इन्होंने, सब बढ़िया, बट फिर भी हम क्या देख रहे हैं, स्वतंत्र पार्टी वाले क्या एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, और वहीं पर सीपीआई वाले कह रहे हैं ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। सेम केस बाकी लोगों के साथ भी है कि सपोर्ट नहीं है, अरे मिक्स इकोनॉमी का मतलब यही है, सोशलिस्ट बोला कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, कैपिटलिस्ट बोल रहे हैं सोशलिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। अरे स्वतंत्र पार्टी वाले जमींदार टाइप के लोग हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है, क्यों दें हम लैंड अपनी, हमारे पुरखों की जमीन है एटसेट्रा एटसेट्रा, सबको बैलेंस करके चलना है। और गलती हो जाती होगी, खुशी और नहीं के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि लोग अपने भगवान से दुखी रहते हैं, ये तो इंसान है। ठीक है, ये समझदारी का थोड़ा सा कंपैरिजन था अकबर और जवाहरलाल नेहरू का,
समझदारी कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी बहुत सारी चीजें आप कंपेयर कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस हमें अलाउ करती है, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता। तो ये था चैप्टर सेकेंड, दो पार्ट में है, सॉरी चार पार्ट में अवेलेबल है। इसके बाद चैप्टर फाइव पे पढ़ेंगे हम, दोनों को अमलगमेट करने के बाद एक चैप्टर बनेगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चैप्टर फाइव शुरू करेंगे, और मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर दी है, शायद ही आपको किताब उठानी पड़े, शायद कार्टून के लिए अलग सेक्शन बनाऊंगा मैं, जितने कार्टून आ रहे हैं उन सबका वाइंड अप करके एक सेक्शन बन जाएगा। अभी तक के लिए